दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस में 7 राज्यों में छापे। सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पहुंची, तलाशी जारी। डिप्टी सीएम बोले स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई टीम जांच करने पहुंची। सीबीआई टीम दिल्ली की नई एक्सरसाइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास ए विंग दिल्ली सचिवालय पहुँची है। सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल की आप सरकार बेनकाब हो गई है। भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, वह भ्रष्ट ही रहेगा। दिल्ली में शराब की दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुँचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।